राजनीति में वंशवाद की दौड़ में दिग्विजय सिंह ने सबको पछाड़ दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को राघोगढ़, छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को चाचोड़ा और भतीजे प्रियव्रत सिंह को खिलचीपुर से टिकट दिया है। कांग्रेस ने सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं, पार्टी के बाकी नेताओं के परिवार पर भी मेहरबानी की है। आप बस एक एक करके नाम गिनते जाइए। कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को झाबुआ और भतीजी कलावती भूरिया को जोबट विधानसभा सीट से टिकट मिला है। पूर्व सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी के छोटे भाई आलोक चतुर्वेदी छतरपुर सीट से लड़ रहे हैं। विधायक सुंदरलाल तिवारी की बहू अरुणा तिवारी को सिरमौर विधानसभा सीट से मौका मिला है। पूर्व मंत्री इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल सिहावल सीट से किस्मत आजमाएंगे। पूर्व मंत्री हजारीलाल रघुवंशी के बेटे ओम प्रकाश रघुवंशी को सिवनी मालवा सीट से टिकट मिला है। पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी के भतीजे उमंग सिंघार को गंधवानी सीट से दोबारा मौका मिला है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के भाई सचिन यादव को कसरावत से टिकट मिला है। वंशवाद की बेल सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी काफी बड़ी है। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे और मंत्री सुरेंद्र पटवा को टिकट दिया है। पूर्व सांसद कैलाश सारंग के बेटे मंत्री विश्वास सारंग पर भी पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। पूर्व सांसद कैलाश जोशी के बेटे और मंत्री दीपक जोशी भी चुनावी मैदान में हैं। वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार और मंत्री हर्ष सिंह के बेटे विक्रम सिंह को भी टिकट दिया गया है। पार्टी ने मौजूदा विधायक आरडी प्रजापति का टिकट काट दिया, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे राकेश प्रजापति को टिकट थमा दिया। पूर्व विधायक राजकुमार खटिक के बेटे ओम प्रकाश खटिक और सबलगढ़ से मौजूदा विधायक मेहरबान सिंह रावत की जगह उनकी बहू को टिकट मिला। पार्टी ने सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव को भी वंशवाद का फायदा पहुंचाया है। आज अगर वंशवाद में कांग्रेस में भी अगर आरोप लगते हैं और उनमें अगर कोई क्षमता है, प्रतिभा है और उस धरातल पर वो खरे उतरते हैं तो मुझे लगता है न कांग्रेस में और न भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के आरोप नहीं लगना चाहिए। लेकिन किसी ऐसे कार्यकर्ता के साथ भी जो लगातार धरातल पर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उसको भी उतना ही हक है। और नीचे के तरीके से सर्वे के हिसाब से सारी योजनाओं को प्रबंधन के हिसाब से देखा जाता है इस पार्टी में। साफ है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी टिकट बंटवारे में भाई भतीजा की अनदेखी नहीं कर पाई। आज तक ने जब पार्टियों से इस पर सवाल किया तो सुनिए प्रवक्ताओं ने क्या कहा। पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी गलत फहमी में है। ये सोच रहे हैं कि इनके पिता जो कैबिनेट मिनिस्टर थे या इनके रिश्तेदार जो एमएलए थे, उनके भ्रष्ट चेहरों को ये उनके रिश्तेदारों को टिकट देके जनता को भुलवा देंगे, तो ये बड़ी गलत फहमी में। जनता इनके परिवारों का भ्रष्टाचार, इनकी सरकार का भ्रष्टाचार, इनके मंत्रियों का भ्रष्टाचार नहीं भूलेगी। देखिए, कांग्रेस तो वंशवाद की अनुयायी है, वो वंशवाद की परंपरा को बढ़ाने वाले चलाने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें भी थके चुके नाम हैं। वंशवाद में भी जो नाम उन्होंने लिए है वो कई नाम पिटे हुए मोहरे हैं। और मैंने कहा ना, थके चुके पिटे घिसे और जोरदार जबरदस्त हारे हुए नामों शामिल हैं। और एक बात जरूर है कि इसमें ना जातीय संतुलन है, ना सामाजिक समीकरण का संतुलन है, केवल और केवल श्रीमान वंटाधार की सूची है। बीजेपी और कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के साथ ही साफ तौर पर दिख रहा है कि एक आम कार्यकर्ता टिकट के लिए नेताओं की चौखट पर अपने घुटने रगड़ते रहे, लेकिन नेता पुत्रों और उनके रिश्तेदारों के लिए राजनीति के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।